औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दुआ खाना जी। ये देखें, ये हमने हब्बे स्याह शिंगरफी तैयार की है। स्याह क्या है? ये दतूरा स्याह नहीं होता जिसे हम जुज़ मसल कहते हैं, उसको हमने कूट के उसका पानी निकाला। मुकतर पानी हमने लिया एक पाव। और ये जो हमने चार कुश्ते तैयार किए थे, शिंगरफ का कुश्ता और सम्मल फार का कुश्ता, पारे का कुश्ता और वर्किए का कुश्ता, ठीक है, चार कुश्ते ये। और सफूफ इसमें डाला हमने, जो सदफ तैयार किया था 20 ग्राम उसका सफूफ और एक एक तोला वो, उनको हमने खल में डाल के और इसका पानी एक एक चम्मच डालते गए खुश करते गए, डाल के गए एक एक चम्मच डालते गए और खुश करते गए। और ये देखें, अब ये बिल्कुल खुश्क होने पे आ गया है। अब ये खुश्क हो गया, इसको हम अब जो गोली बांधने का अब कूटेंगे, कूटने पर ये गोली बांधने के काबिल हो जाएगा। ये देखें ना, अब ये गोली बांधने के काबिल हो गया है। ये गोली बांध गई, ठीक है। ये गोली है मुमसिक महरक और असाबी ताकत के लिए, कुव्वत बा के लिए, इंतशार के लिए, टाइमिंग के लिए, और जो सुस्ती पड़ जाती है, नींद नहीं आती उसके लिए, और थकावट के लिए, और जिनको उम्र ज़्यादा होने की वजह से शहवत नहीं आती, 55 साल 60 साल उम्र जिनकी हो जाती है और शुगर होती है, उनके लिए ये लाजवाब चीज़ है। ये बनाएं और इसका रिज़ल्ट लें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत कामयाब चीज़ है। हब्बे स्याह शिंगरफी के नाम पर ये गोली हमारे मदब पर होती है, और माशाल्लाह ये हमारी काफ़ी हुकुमा के हजरात के पास जाती है और लगी हुई है उनको, मसलन वो मसलन बहुत सारे मरीज़ों को देते हैं और बहुत ज़बरदस्त काम करती है। सिर्फ ये शायद होता है इस गोली का, ठीक है, नवीयत के हिसाब से, उम्र के हिसाब से हम इसका जो शायद बढ़ा देते हैं और कम भी कर देते हैं, मगर ये है कि स्टैंडर्ड शायद जो हमारा इसका यही है। ये हर जो ना उम्र के और हर जो मजाज के बंदों पे काम करती है, क्योंकि इसको हमने मोदल कर देते हैं, दूसरी चीज़ें डाल के ना हम इसको मोदल कर देते हैं। और पारे का कुश्ता जो हमने बनाया है वो बहुत नफीस तरीके से बनाया है, ये जो कहाँ तक काम करता है, जो स्पर्मिया तक काम करता है, और जो बिल्कुल रे गुजरे बंदे हैं उस पर काम करता है, जो हमने इसमें उसमें कुजी में ऊपर रख के ना कपड़ा रख के नीचे उसमें डाला था, उसमें गंदक का आमला सा नुशादर 50-50 ग्राम वो डालते हैं, कपड़ा रख के ऊपर पारा डाल देते हैं, कुजी में उसको आग देते हैं। मैं इसलिए इस आपको थोड़ा थोड़ा बताता होता हूँ क्योंकि मैंने उसके ऊपर पूरी पूरी वीडियो बनाई हुई है, पारे के ऊपर, शिंगरफ के ऊपर, सम्मल फार के ऊपर पूरी पूरी वीडियो बना के मैंने आपको सेंड की हुई है, ठीक है। इसलिए मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ, ये चारों कुश्ते और ये सम्मल फार का पानी इसमें एक एक चमची करके हमने डाल के ये यहाँ तक तैयार हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने तीन चीज़ें और डाली इसके ऊपर, इसके अंदर, और जो मेरा सफूफ है, जौंद बदस्तर, रेग माही, ज़ाफ़रान, ठीक है, इसका सफूफ डालना इसमें, वो तेज़ी भी कर देता है, शहवत भी कंट्रोल करता है, और ये है कि कमज़ोरी भी नहीं होने देता इसमें। अगर ये हमारा सफूफ अब जो तैयार होना ना, हमने वज़न करना है, अगर ये 50 ग्राम है तो वो हम 25 ग्राम वो डालेंगे, ठीक है। और इसको और तेज़ करने के लिए हमने इसमें एक तोला जो है ना सल्टीना साल्ट डाल देना, जो हमारा देसी तरीके से तैयार हुआ हुआ है। ये नहीं कि हर एक में लाजमी में हर एक में, क्योंकि वो एक हमारी मरकब चीज़ तैयार हुई है, ज़बरदस्त चीज़ है, रिजल्ट आ रहा है उसका। जिसको एक कैप्सूल देते हैं वो कहते हैं माशाल्लाह, ये हमने 2 साल हो गए दवाइयाँ खा रहे थे, 3 साल हो गए थे दवाइयाँ खा रहे थे, हमें रिजल्ट नहीं आया, माशाल्लाह इससे रिजल्ट आया, ठीक है। जिस चीज़ का रिजल्ट आ गया तो हम उसको पीछे क्यों करें, उसको भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। वो इसलिए शामिल कर देते हैं क्योंकि ये अब बाहर के मुल्क में भी जाती है, किसी की शादी है, उसने कोर्स मंगा लिया, हम पहले उसको ये देंगे फिर वो देंगे, ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें देंगे, बेहतर नहीं है उसको एक ही चीज़ ऐसी दे दें ताकि वो उसको रिजल्ट भी आए, उसका टाइम भी ना जाया हो शादी पे। आम बंदे ने, हल्के से हल्के बंदे ने भी 4-5 लाख रुपया लगाया होता है, ठीक है, तो वो उसके पैसे और शर्मिंदगी ना हो, ज़ाया ना जाए सारे मामला। इसलिए ये हमने इसको कोशिश करते हैं कि तेज़ से तेज़ चीज़ कर दें और नुकसान ना हो। ये है कि 10 गोलियाँ भी खाएगा, SGPT चेक करा देगा, गुर्दों का टेस्ट कराएगा, नज़र का टेस्ट कराएगा, वो आगे से बेहतर ही होंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने मजरब चीज़ें डाली हुई हैं, ये नहीं है कि हमने मसलन बाजारी साल्ट वगैरह लेके पीस के डाल दिए, नहीं, मेरी ये गारंटी होती है कि मेरी दवाई आपके पास पहुँचे, आप सीधा लेबार्ट्री के ऊपर ले जाएँ, लेबार्ट्री टेस्ट करा लें,
उसमें अगर हमारी एलोपैथिक की कोई चीज़ निकले, कोई ऐसी चीज़ निकले, तो मैं इसको आपका डबल दूंगा, और लेबॉरेटरी टेस्ट भी का खर्चा भी मैं खुद दूंगा। ये बातें करने की नहीं होती, मगर ये इसलिए करते हैं ताकि आपको इस ये जहन साफ़ हो जाए इससे कि आपको इससे कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, कोई नुकसान होगा, कोई जिगर को प्रॉब्लम हो जाए। ये नहीं कि एक चीज़ सही करते करते दूसरी चीज़ ख़राब हो जाए, ये चीज़ नहीं होती। ये पानी पिलाने का मकसद ही हमने हमारे ये होता है चीज़ों को, ताकि इसको और नफीस और नफीस और नफीस कर लें, इसलिए ये हमारा मामला होता है। तो अगर आप बना सके तो बहुत बेहतर है, ठीक है, वरना हमारे इदारे पे ये तैयार होती है, क्योंकि मैं इसको ख़त्म नहीं होने देता। ये मेरी पहले अभी गोलियां पड़ी थी, तो मगर आर्डर था मेरा और, तो मैं और तैयार कर रही है, ठीक है। तो हमारा फ़ोन नंबर है 0300-965-5265। और मेहरबानी करके यार जो जो मेरा चैनल है सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसका चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पता लगता रहेगा कि पारे की वीडियो कौन सी लगाई थी, सिंगर की वीडियो कौन सी लगाई थी, पिछली वीडियो नंबर। अब मैं अब पता क्या करा करूँगा, मैं आपको ये बता दिया करूँगा, ये हमने जो वीडियो नंबर 33 दी थी ना, 33 नंबर का कुछ था, 40 नंबर का कुछ था, 45 नंबर का कुछ था, इसमें डाला है। उससे आपको पता होगा कि 33 नंबर का कौन था, 40 नंबर का कौन था। इसलिए ये लाजमी है ना, आप लिखा भी करें, बार बार कोशिश किया करें बनाने की, ताकि आपको पता लगे कि कौन सी चीज़ हम ने बना ली है, कौन सी हमारी बनाने वाली पड़ी है, ठीक है। ये ज़्यादातर जो मैंने जो सब्सक्राइब किया ना, ज़्यादातर लोगों चैनल ने लोगों ने वो सारे हकीम हैं, तकरीबन ज़्यादातर हकीम हैं। तो ये मैं हकीमों के हिसाब से बताता हूँ, ताकि वो उनको आसानी से पता लग जाए कि कौन सी चीज़ कौन कौन सी चीज़ इसमें डाली है, और कौन सी चीज़ हमने तैयार करनी है, ठीक है। बनाएँ दवाओं में याद रखना हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दवाखाना। और ये मुजरब चीज़ है, ये नहीं है कि आपने बना ली आपकी पड़ी रही एक साइड पे नुक्कर पे, नहीं, ये मुजरब चीज़ है। आप भी हकीम लोग हैं, आपको भी अक्ल सूझबूझ है कि ये दतूरा स्याह पानी इसका क्या करता है, शिंगरफ क्या क्या काम करती है, संबल फर क्या काम करता है। और फिर उसका कुश्ता तैयार हो गया, कुश्ता तैयार होने के बाद जब गोली बांधी गई, ये चीज़ें सारी डाली गई, क्या काम करेंगी, कहाँ तक रिजल्ट देंगी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतरीन इसका रिजल्ट है। और देर पा ये नहीं कि वक्ती तौर पे अभी खाया है, तो ये तो वक्ती तौर पे तो स्टैंड करती है, मसलन अभी खाया है ना, डेढ़ घंटे बाद वो आप मिल सकते हैं बेहतरीन तरीके से, जो टाइमिंग भी ज़्यादा होगी, शहवत भी ज़्यादा होगी। मगर ये है कि जब आप 30 गोलियाँ ये खा लेते हैं, और इसके बाद 30 गोली खाने के बाद भी आपको पूरी ज़िंदगी अगर गोली की या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर फ़ायदा तो ना हुआ इतनी मेहनत करने का, इससे दोबारा ज़रूरत पड़ती ही नहीं है किसी भी चीज़ की, क्योंकि ये मुजरब चीज़ है, ठीक है जी। सारी बात उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी, ना समझ लगी हो तो मैं अब ये कोशिश करने लगा हूँ कि ताकि जो मैं चीज़ बताता हूँ ना, वो साथ साथ थोड़ा सा टाइम तो लगता है, साथ साथ आपकी स्क्रीन पे भी आती जाए कि ये हमने जो चीज़ बनाई थी, कुश्ता कैसे बनाया था, शिंगरफ कैसे बनाया था, संबल फार कैसे बनाया था, वो साथ साथ आपकी एक साइड पर ना वीडियो चलती होगी, और उसका नाम आएगा, लिखा हुआ आएगा, मकदार आएगी, इसलिए ताकि आपको बार बार सवाल भी ना करना पड़े। वैसे मैं हाज़िर हूँ हर वक्त, आपको आपने तजर्बा करके देखा होगा, जितने भी बंदों के फ़ोन आते हैं, कॉल आती है, मैं उनको बताता भी हूँ तरीकाकार, बार बार बताता हूँ, वो कहते हैं बहुत शुक्रिया आपको तो डिस्टर्ब किया। मैंने कहा डिस्टर्ब करने का क्या, ये जो अब मेरे मैंने बताई चीज़ आपको नहीं समझ लगी, आप गलत बना देंगे तो नुकसान होगा, इसलिए ये सारे मामला होते हैं। बनाएँ दुआ में याद रखना हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दुआ खाना।